देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। जबलपुर में सोमवार शाम 30 वर्षीय युवक के सर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने मर्द के साथ बैठकर शराब पी, उसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। आरोपियों ने उसके सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक संतोष वंशकार के साथ बैठकर शराब पी रहे आरोपियों ने उसके सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर रांची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि संतोष एक दुकान में काम करता था। आज दोपहर को उसके साथ ही विजय चौधरी, गोपी चौधरी और अमरदीप चौधरी दुकान पहुंचे और अपने साथ में विजय के घर ले गए। यहां पर सभी लोगों ने बैठकर एक साथ शराब पी। किसी बात को लेकर अमरदीप चौधरी से संतोष का विवाद हो गया। संतोष की हत्या करने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। मृतक के भाई ने बताया कि जिन लोगों ने उसे मारा वह उसके साथी है। इधर दिन दहाड़े हुई घटना के बाद रांची थाना पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जुट गई है। एएसपी प्रदीप शिंदे के मुताबिक आरोपियों की शिनाख्त हो गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, घटना हुई है, कुछ किस प्रकार का है पूरा मामला? ये थाना रांची के दानो बाबा एरिया का घटना है, जिसमें एक संतोष वंशकार नाम के युवक की पत्थरों से सिर पे मार करके हत्या की गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पे तत्काल पुलिस पहुंच करके प्रारंभिक जांच कार्रवाई करने के बाद इसमें अपराध पंजीकृत किया जाकर विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही हम इस पर एविडेंस आरोपियों को हम अरेस्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया सर क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है कि इनके जो कुछ आस पड़ोस के साथीदारान थे वो कहीं गए हुए थे और संभवतः इन्होंने शराब वगैरह भी साथ में किया है, ऐसा जानकारी भी आया है। अभी कितना सत्य है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और उसी दौरान ये घटना हुई है। और वही पड़ोस के लोगों के द्वारा हंड्रेड डालते भी सूचना दी गई थी और पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया गया और तत्पश्चात पुलिस पहुँच करके कार्रवाई की। सर, मृतक जो आरोपी हैं ये कौन? मृतक एक चिकन शॉप पर काम करता था और आरोपियों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही एविडेंस आते हैं तत्काल हम कार्रवाई करते हैं, आरोपियों को अरेस्ट करते हैं।